ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਆ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਭੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਕਰਦੇ ਦੇਣਾ ਧਰਮ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੇ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿੱਖ ਡਿਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਡ ਗੈਦਰਡ ਇਨ ਦ ਸਪਰੋਲਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਕੈਂਪਸ ਆਫ ਦ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੜਾਈ ਚ ਨਲੇਕ ਸੀ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅਨਪੜ੍ਹਵੀ

हालात कैसे हो जाएंगे आप कल्पना करके देखिएगा मैं खालिस्तान के भविष्य की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं समर्थक नहीं हूं मैं कुछ भी नहीं चाहता मैं बता रहा हूं सच्चाई कि लोग कितनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं कितनी बड़ी गलतियां दोहराने की कोशिश कर रहे हैं टू नेशन थ्योरी की बात हम कर लें पाकिस्तान और भारत भी अलग हुए हैं कुछ लोगों ने पाकिस्तान की मांग की थी वो पूरी भी हो गई लेकिन आज भी पाकिस्तानी या वहाँ के बहुत से अच्छे लोग पछता रहे हैं पाकिस्तान बनवा करके वो यही चाहते हैं कि हम भारत का हिस्सा होते क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो भुखमरी है पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वहाँ पर हालात अकाल वाले हो गए हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं है रहने लायक स्थान भी नहीं बचा है तो पाकिस्तान बनवाना उन लोगों के लिए बहुत गलत डिसीज़न रहा तो अगर मान लीजिए खालिस्तान बन जाता है तो खालिस्तान बन गया वो सिखों की एक अलग रहने की जगह बन जाएगी उसमें क्या होगा कट्टरता आ जाएगी कि कोई उस संप्रदाय या उस धर्म के खिलाफ नहीं बोल पाएगा वहाँ एक जैसे लोग रहेंगे तो एक जैसे लोग क्या करेंगे अपनी चीज़ आगे ले जा पाएंगे नहीं वहीं पर सीमित रह जाएंगे तो खालिस्तान कुछ सालों के बाद डाउनफॉल हो जाएगा वहाँ पर कट्टरता आ जाएगी लिबर्टी बिल्कुल नहीं रहेगी जिसे हम कहें सेकुलरिज्म तो वहाँ पर भाईचारा नहीं पनप पाएगा वहाँ पर एक ही कौम रहेगी दूसरी कौम नहीं रहेगी तो वैरायटी नहीं रहेगी विविधता नहीं रहेगी तो एक जैसी चीज़ें धीरे धीरे डाउन हो जाती हैं तो वहाँ पर कोई नया आविष्कार नहीं होगा नया इन्वेंशन नहीं होगा नई चीज़ नहीं आएगी वो पुरानी चीज़ कुछ समय में गिर जाएंगी तो खालिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान जैसे हालातों में बदल जाएगा वहाँ भी भूखमरी आ जाएगी वहाँ भी तानाशाही चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी वहाँ पर लोग भूख से तड़पने बिल खिलाने लग जाएंगे तो ये भविष्य होगा क्योंकि हिंदुस्तान एक लिबरल देश है एक ऐसा देश है जहाँ पर बोलने का अपने विचार रखने का अधिकार है भारत की धरती पर पैदा होना बहुत गौरव की बात है जिन्होंने भी भारत से अलग होने की भूल की है गलती की है वो पछता रहे हैं उदाहरण पाकिस्तान का आप देख सकते हो तो जो लोग खालिस्तान की मांग करते हैं खालिस्तान के समर्थक हैं उन लोगों को ये जरूर समझ लेना चाहिए कि खालिस्तान की सोच रखना बहुत बेमानी है भारत या हिंदुस्तान से अलग सोच रखना अलग देश की मांग करना गुनाह है मानवता के लिए बहुत बड़ा गुनाह है मानो वहाँ पर रहने लायक स्थान नहीं बचेगा ऐसा नहीं है कि खालिस्तान बन गया तो सबरग के दरवाजे खुल जाएंगे कुछ नहीं होगा वहाँ पर तानाशाही कट्टरता फैल जाएगी भुखमरी फैल जाएगी दूसरा इंसान तो वहाँ सांस भी नहीं ले पाएगा वहाँ पर औरतों को रहने लायक स्थान नहीं होगा चीज़ें थोपी जाएंगी वहां पर थोपना होगा वो अपने मूल्य अपनी परंपराएं जो भी ऊपर बैठा होगा वो उन पर नियम कायदे कानून थोपेगा आज़ादी बिल्कुल नहीं रहेगी तो ये भविष्य होगा खालिस्तान का अगर बनता है पहली बात तो बनेगा ही नहीं लेकिन फिर भी मैंने साइकोलॉजिस्ट होने के नाते एक इमेजिन किया है एक वैसे ही काल्पनिक तस्वीर मैंने अपने मन में देखी है तो ऐसा भविष्य मुझे नज़र आता है आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा